नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सूफी आपके साथ और लेकर आया हूं आपके लिए ये शो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन 2। कुछ ऐसे लोगों की कहानी जिनके लिए द बेस्ट वे ऑफ लिविंग इज गिविंग। सीजन 1 में हमने आपको मिलवाया था कुछ ऐसे लोगों से जो जीते हैं दूसरों के लिए। इस सीजन में भी हमारी कोशिश पूरी पूरी यही रहेगी कि हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएं जो करते हैं कुछ ऐसा जो लाता है मुस्कुराहटें दूसरों के चेहरों पर। और आज इस पहले एपिसोड में मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको इंदर भगनानी से, जो एक बिजनेसमैन हैं, जो एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, और अपने एक दिन में से कुछ टाइम वो निकालते हैं उन लोगों के लिए जो उनके अपने नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लाते हैं मुस्कुराहटें उन लोगों के चेहरों पर। यहाँ से सीधे चलते हैं इंदर के ऑफिस और मुलाकात करते हैं, जानते हैं इंदर के उस इनिशिएटिव के बारे में जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो, फेसबुक पर भी है, फीड अ लेबर इनिशिएटिव। आइए चलते हैं इंदर के ऑफिस। अपनी जिंदगी को तो जीते हैं सभी, दुनिया के गमों को भी लेते हैं सभी। Good morning. My name is Sufi. I've come to meet Mr. Inder Bhagnani. This way, sir. Thank you. Hi, Inder. Good morning. Good morning. My name is Sufi. Hi, Sufi. और आपके Feed a Labour Initiative के बारे में सुना तो जिज्ञासा हुई आपसे मिलने की मेरी। Please have a seat. तो इंदर, ये जो आपका फीड लेबर इनिशिएटिव है, इसके बारे में मैंने पढ़ा, फेसबुक पे देखा, काफी लोगों से बातचीत भी हुई। इतना बढ़िया आप काम करते हो, आपका ऑफिस है यहाँ पर। अभी एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में, इतना टाइम कहाँ से निकालते हो यार? सूफी जी, एक चीज़ कहती है हमारे बड़ों ने कि अगर जो चीज़ आपको दिल से करनी हो तो उसका रास्ता हर जगह से निकल ही जाता है। तो हमारा जो फीड लेबर है वो हम करते और दिखाते हैं, क्योंकि उसका एक ही मकसद है कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो और काफ़ी लोग आगे आए। तो ये फीड लेबर इनिशिएटिव की शुरुआत कैसे हुई? फीड लेबर चालू हुआ था जब मैंने अपनी कंपनी खोली थी। तो आई यूज टू गो टू दिस कैफेटेरिया विच इज़ बेस्ड इन अलबर्शा। तो मतलब बहुत छोटी सी कैफेटेरिया है वहाँ पर। तो एक लेबर अंदर आता है और कहता है कि मुझे एक ऑमलेट परोठा चाहिए और एक चाय चाहिए। तो ऑर्डर देके खड़ा हो गया, मैं वही खाना खा रहा हूँ। मैं लेबर ने 5 मिनट बाद कहा कि कितने का है ये? तो उसने कहा 4 दिरहम का है। तो बोलते अच्छा अच्छा, आप ऑमलेट परोठा कैंसिल कर दें, मेरी एक चाय में दे दें आप। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि इसने कैंसिल क्यों किया ऑर्डर। मैं गया उनके पास, मैंने भाई साहब आपने अभी ऑर्डर किया 5 मिनट पहले और अभी कैंसिल कर दिया आपने। बोला सर गरीब आदमी हूँ, 4 दिरहम का परोठा आता है, 1 दिरहम की चाय आती है। बोला सर मतलब मैं 4 दिन और 4 चाय पी सकता हूँ। तो उनका ये कैलकुलेशन थोड़ा मेरे को हिट कर गया। चलो कोई मसला नहीं, आई कैन आई बाय दिस फॉर यू। तो उस तरह से एक शुरू हुआ। तो उसको इतनी खुशी, वो बाहर खड़े होकर खाया जब तक मैं रेस्टोरेंट से निकला नहीं। जैसे मैं निकला उसने बोला सर थैंक यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, बहुत खा के मुझे मज़ा आ गया। 3-4 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए, 2, 4, 6, 8 बंदे हो गए, फिर वो लाइन में आके खड़े हो जाते। देन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड देन माय कंपनी स्टार्टेड ग्रोइंग, देन वी स्टार्टेड गिविंग देम चिकन बिरयानीज। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए सारे पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। अभी कुछ टाइम पहले आपने 100 वीक्स इस फीड अ लेबर के कंप्लीट कर लिए, तो कैसे लोग जुड़ने शुरू हुए? पहला बंदा कौन जुड़ा आपके साथ में आके? एक ग्रुप है बेसिकली। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने मेरा पोस्ट देखा फेसबुक पे। मेरे फेसबुक पे हैं बट वी हैव नेवर मेट अर्लियर। तो ये थर्सडे मॉर्निंग में आते थे घर पे, सामान छोड़ जाते थे, मैं अपनी गाड़ी में लोड करता था, मैं अपने काम पे निकल जाता था। तो जब मैं उस रास्ते जाता था आई शुड हैव माई लंच एंड द सेम टाइम यू नो इनको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर मैं अपना खाना खा लेता था। तो पहले 6-8 महीने ये चीज़ हुई थी कि दे वुड कम एंड ड्रॉप इट ऑफ। फिर धीरे धीरे करके लोग ने बोला चलो ठीक है हम भी आएंगे, क्योंकि मुझे हेल्प चाहिए थी। तो वैसे 2, 3, 4, 5, तो आज करीबन हमारे पास 5,000 लोग हैं। अच्छा इंदर, मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज़ इनिशिएट करना तो चलो एक चीज़ हुई, उसे मेंटेन करना एक चैलेंज है। काम और आपका ये इनिशिएटिव कभी क्लैश हुआ उसमें? काफ़ी टाइम हुआ है बट
मेरे फादर इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ कही कि ज़िंदगी तो आप अपने लिए जीते हो, कभी दूसरों के लिए जी के कोशिश करें आप। तो 12 to 3 भले कोई भी मीटिंग हो, कितनी बड़ी मीटिंग हो, आई डोंट अटेंड। क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है आपको प्रोत्साहित करती है कि यार और करूँ मैं इनके लिए? वॉट इज़ दैट वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग? I'm not sure if I should be telling you this, but my dad came from very poor background. तो उनको उस लेवल से देख के इधर आते वक्त उनसे काफ़ी चीज़ें हमने लाइफ में एक्चुअली सीखी है। दूसरों की खुशी आप अगर देखते हैं, दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस विच यू लुकिंग इन योर सेल्फ। इवन लबन अपन बिस्किट जो सिर्फ एक दरम की कॉस्ट है, उसमें भी वो इतने खुश होते कि सर हम आपका हफ्ते हफ्ते इंतज़ार करते हैं, आप कभी आते हैं। So, you know that those words still are in my heart and I'm like they are waiting for me and I have to go. मजरू सुल्तानपुरी साहब का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो अपने इस कारवां में सूफी को भी शामिल कर लीजिए। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। आप प्लीज हमारे साथ आए, मैं आपको ले चलूंगा। बिल्कुल खुश नसीबी है मेरी कि आज यहाँ पर, और इनफैक्ट आपने टाइम थोड़ा सा मेरे लिए भी निकाल लिया। वैसे आपके पास में बहुत सारा टाइम है यार, आप जब इतना सारा टाइम निकाल सकते हो इतने अच्छे काम के लिए, तो मेरे लिए तो छोटा सा टाइम आपने निकाला। बट यस, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ। आई वांट टू थैंक यू फॉर कमिंग इन टुडे सूफी। तो अभी जहाँ पर हम चल रहे हैं वहाँ पर कितने लोग होंगे? एक्चुअली साइट पे है 500 लोग। हाँ, बट कभी कभार लोग अगर हायर फ्लोर्स पे फंस जाते हैं लेबर, तो दे कांट कम डाउन। तो जो ऊपर काम करे वही रह जाता है, वही रेस्ट करता है, फिर 3 के बाद लोग काम शुरू करते हैं। तो उन लोगों तक कैसे पहुँचता है फिर? हम उनके दोस्तों को देते हैं। अच्छा, अभी जहाँ हम चल रहे हैं तो पहले से आपके कुछ वॉलंटियर्स वहाँ पे होंगे? बिल्कुल, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे मदर्स की जो फ्रेंड्स हैं वो भी आती है, अभी मेरी मदर भी आती है, शी बीन हेल्पिंग मी फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स एक्चुअली। नाउ आज आप देखेंगे देयर इज अ लेडी, वो घर से अपने गुजराती पराठे बना के ले आई है। क्या बात है। तो जिससे जितना बन पड़ रहा है वो उस हिसाब से उतना करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर लाइफ। आप बेसिकली कहाँ से हो? मैं ओरिजिनली बॉम्बे से हूँ। हाँ, और दुबई में कब आए? दुबई में मैं आया था 1995 में। मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब मैंने यहाँ पर किया हुआ है। हाउ वर द स्कूल डेज? दे हैड गिवन मी अ टैग ऑफ एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, हमेशा क्लास के बाहर। ओए हो हो हो, कमाल। तो ये एक चीज तो हम दोनों शेयर करते हैं। ऑलवेज डिड डिफरेंट जॉब्स, काफी छोटे जॉब्स भी किए मैंने। मुझे अभी भी वो सीन याद है कि मैं लोगों को मैं जूते पहनाता था। I used to make people wear shoes. उसके बाद मैंने केयरफुल में भी काम किया है। तो ग्रास रूट लेवल भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत वहीं से की है। I enjoy designing clothes. I enjoy shopping. अच्छा, मेरे को कपड़ों का बहुत शौक है मुझे। इतना सारा क्रिएटिविटी का काम भी करते हो, इतना चैरिटी का काम भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, टाइम मैनेजमेंट के लिए कभी बुलाया है तुमको किसी ने कभी यूनिवर्सिटीज के अंदर कि भाई आओ और हमें भी टाइम मैनेजमेंट सिखाओ? ये होता ना कि द मोर यू ट्राई द मोर यू फेल द मोर यू फॉल यू लर्न। हाँ, तो ऐसा नहीं कि एक टाइम पे मैं परफेक्ट हो गया था। हाँ, काफ़ी डिफिकल्टीज फेस की थी, तो धीरे 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 करके ऐसे ही फिर आई ट्राई टू मैनेज थिंग्स माय सेल्फ। करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान है जी। सही है भाई। इंदर भगनानी ने जो शुरू किया फीड अ लेबर इनिशिएटिव, उसकी वन ऑफ द साइट्स पे हम इस समय हैं। 47 डिग्री सेल्सियस हो रहा है इस समय टेम्परेचर, और अभी सभी भाइयों का ब्रेक चल रहा है तो सब खाना खा रहे हैं। आज हम और आप जिन ऑफिसेज में बैठते हैं, जिन जगहों पे काम करते हैं, और पूरी दुनिया जिस दुबई के बारे में कहती है कि वर्ल्ड क्लास सिटी है, उस वर्ल्ड क्लास सिटी को वर्ल्ड क्लास बनाने वाले ये तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। हाँ जी, मोहम्मद राशिद।
मोहम्मद राशिद भाई, अभी कुछ फूड पैकेट्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, कैसा लगता है आपको ये ऐसा इनिशिएटिव देख के? हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये तमाम वो मेरे भाई लोग हैं जो दुबई को दुबई बनाते हैं, इतनी गर्मी में भी काम करते हैं और एक वर्ल्ड क्लास सिटी को शेप अप कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात ये है कि इस इतनी तपती धूप में और गर्मी में भी जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। सलाम करता है सूफी भाई आपको। चलो आज फिर एक नई सुबह है, हम जागते हैं, हम जागते हैं। दूसरों के गमों को अपना बनाते हैं, हम बनाते हैं। वेलकम बैक इंदर। सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ आपके इस, इनफैक्ट अब तो मैं हमारे बोल सकता हूँ, हमारे फीड अ लेबर इनिशिएटिव में आपने मुझे अपने साथ शामिल किया, मुझे मौका दिया। मुझे अंदर से इतना अच्छा लगा जब वो लबान के पैकेट्स मैं खोल रहा था और वो बिरयानी के पैकेट्स जब मैं दे रहा था, और जैसे ही किसी एक इंसान को मैं वो पैकेट दे रहा था उसके मुँह पर जो स्माइल थी इट वॉज़ प्राइसलेस। उसको आप तोल नहीं सकते हो किसी भी, कितने भी रुपए में वो खरीदी नहीं जा सकती है। वो सेटिस्फैक्शन जो था, वो स्माइल जो थी, वो अपने आप में इतनी बढ़िया फीलिंग है। आज रात को बहुत अच्छी नींद आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आई एम वेरी 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 हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ फीड लेबर नाउ एंड आई होप टू सी यू डाउन द लाइन एज वेल। इंदर, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरी लाइफ का तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है, इट्स अ प्राइसलेस फीलिंग फॉर मी। लेकिन आई एम श्योर आपने तो 100 वीक्स से भी ज़्यादा कंप्लीट कर लिए हैं इस इनिशिएटिव ने। व्हाट मोमेंट हैज़ बीन द मोस्ट क्लोजेस्ट मोमेंट टू योर हार्ट? बिल्कुल, वो इंसिडेंट आज तक मुझे याद है और दिल में समा गया है। वो काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे बट द मेजर वंस आई शेयर विद यू। ये हुआ था करीबन 2 साल पहले जब हमने शुरू किया था अलबरशा साइट पे। सो वहाँ पर हम लोग दे रहे थे 3 डिफरेंट साइट्स पे। तो साइट 1 कम्प्लीट करके साइट 2 एंड देन वी टू हेड आउट टू साइट 3। तो एक दिन वहाँ पर साइट 3 में पहुँचने पर थोड़ा लेट हो गया। तो जैसे हमने वहाँ पर एंट्री की साइट पर, तो सिक्योरिटी आते हमारे पास और कहते हैं सर थैंक गॉड आप आ गए, फाइनली आप आ गए, इन्होंने काम रोक दिया, आपका इंतज़ार करते गाड़ी कब आए, गाड़ी कब आएगी। तो मैंने बोला आई एम सॉरी हम लेट हो गए क्योंकि दूसरे साइड पे हमारे को थोड़ा लेट हो गया वहाँ पर, बट हम ज़रूर आएंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। तो बोला सर जी आपसे एक बात कहूँ मैं। तो मैंने कहा बिल्कुल आप शेयर करें हमारे साथ। तो बोला सैटरडे का जो दिन होता है जब भी आप आते हैं यहाँ पर, वो दिन लोग इतना दिल से काम करते हैं और जैसे 1 बजने को आते हैं ना 5-10 मिनट पहले ये लोग देखना शुरू करते गाड़ी आई है कि नहीं आई है आज। तो वो एक्साइटमेंट इन लोगों को इतना होता है कि वो दिन कोई छुट्टी नहीं लेता है, भले बीमार हो कुछ भी हो, पर वो 100% आना ही आना है उनको साइट पे कि आज कुछ मिलेगा हमें नया खाने के लिए। दिस स्मॉल पीस यू नो ऑफ अ प्रोडक्ट वॉज अ बिग एक्साइटमेंट फॉर देम। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे इंदर की लाइफ में, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी तो नेगेटिव होता है, कभी ना कभी तो इस दुनियादारी का बोझ जो है वो दिमाग पे हावी होता है। लेकिन ऐसे चंद किस्से, ऐसे चंद इंसिडेंट्स जब लाइफ में हों तो उन नेगेटिव दिनों में भी इन इंसिडेंट्स को सोच के अपने अंदर एक अच्छी सी फीलिंग आती है और अगले दिन के लिए बंदा वापस तैयार हो जाता है, उसी एनर्जी के साथ वापस तैयार हो जाता है। यू आर ब्लेस्ड विद सच इंसिडेंट्स इंदर, आई मस्ट से दैट। अच्छा, अब ये तो हुई अच्छे इंसिडेंट्स की बात, आपके साथ आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके जानने वाले, ये सब जने आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ आपको जो शायद आपने नहीं देखा है। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपकी मॉम आपके इस इनिशिएटिव के बारे में क्या सोचती हैं। व्हाट डज शी थिंक अबाउट द इनिशिएटिव हर सन हैज़ टेकन? आइए देखिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा बेटा इस यंग एज में भी सब कुछ कर रहा है
और मुझे भी अच्छा लगता है और मैं भी सपोर्ट करती हूँ, जाती हूँ उसके साथ। और भी कुछ करना चाहिए, यंग बच्चों के लिए भी मोटिवेशन है कि इस एज में बच्चे करें, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे 10 साल के बच्चे भी आते हैं, 8 साल के बच्चे भी आते हैं, उनको लगता है कि सब हम लोग करेंगे, हमको ब्लेसिंग मिलेंगी, उनकी माँ भी साथ में आती हैं। 2-3 वॉलंटियर उसके साथ थे, खुद ही किया। फिर जब उसने अभी 2 साल कंप्लीट किए ना, तो फिर बड़े ग्राउंड पे उसने किया, तो उससे फिर काफ़ी लोग आगे आए। खुशी की बात है, भगवान ने हमको इतना सब कुछ दिया है, तो थोड़ा कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो माँ भी क्या खुश नसीब माँ है जिसे इंदर जैसा बेटा मिला है, और एक ऐसा इनिशिएटिव जिसके बेटे ने लिया है, जिसमें अब इंदर को जानने वाले, इंदर को नहीं जानने वाले, सब लोग साथ में आ गए हैं, सेम सिनर्जी, सेम एनर्जी के साथ इस इनिशिएटिव फीड अ लेबर में आपके साथ आए इंदर। आई एम श्योर दैट योर मॉम इज़ वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। नो डाउट, आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट आई एम फॉलोइंग माई पेरेंट्स फुटस्टेप्स, एंड आई होप With everyone's blessings, we continue to do so. आप बिल्कुल बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े काम आप करने वाले हैं, इतने लोगों की दुआएं आप तक पहुंच रही हैं। इंदर, मैंने कहीं आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आप वो तमाम लोग जो कहते हैं कि हम पैसा डोनेट करना चाहते हैं, उस चीज़ को आप इनक्रेज नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है? सूफी जी, देखें, आपको तभी महसूस होता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है जब आप खुद जाके परचेजिंग करते हैं, खुद गाड़ी में लोड करते हैं और ख़ुद आके ले आते साइट पे और अपने हाथों से देते हैं। और किसी को पैसे देना तो बहुत ही आसान काम है कि भाई मैंने आपको 100 दिरहम दे दिया, 1000 दिरहम दे दिया, आप जाके काम कर लें, उसमें आपकी नेकी क्या? उसमें हाउ डिड यू मेक एन एफर्ट, हाउ डिड यू मेक अ डिफरेंस? तो उसमें आपने हमें पैसे दे दिए तो डिफरेंस हमने बनाया है, हमें चाहिए कि आप डिफरेंस बनाओ, देन यू पुट इट फॉरवर्ड टू अदर पीपल। तो जो भी हेल्प होता है हम करते हैं उनके लिए, बट हमारा एक ही ये मकसद है। जैसे आप आज हमारे साथ आए थे, आपने देखा कि काफ़ी लोग अपनी गाड़ियों में खुद सामान लेके आ रहे थे और अपने हाथों से खुद दे रहे थे। तो हम यही चीज़ मैसेज डालना चाहते हैं कि डिफरेंस तब बनता है जब आप, व्हेन यू गो आउट देयर स्टैंड इन द हीट, आप जब अपनी शॉपिंग खुद करते हैं और खुद आके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट्स व्हेन यू आर टेकिंग अ टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, तो तभी आप दिल से कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे एक ही रीज़न है कि हम लोगों से कैश कलेक्ट नहीं करते हैं। इंदर, मैंने बात की, आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और अब टाइम आ गया है जब इनमें से कुछ एक लोगों से जिनसे मैंने बात की, वो लोग इस इनिशिएटिव के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके साथ आपके फीड लेबर इनिशिएटिव में जो लोग आपके साथ हैं, टाइम है उन लोगों की बात, उन लोगों के मन की इच्छा, उन लोगों के मन के जज्बात जान लेने का कि वो लोग इस इनिशिएटिव के बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं। आई एम हियर दिस आफ्टरनून ऑन अ सैटरडे एट वन ऑफ द साइट दैट इज मैनेज्ड बाय इंदर भगनानी। आई एम हियर टू सपोर्ट हिम। इंदर इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड इंदर कंटिन्यू टू डू दिस एंड I hope that more people come and support this cause of his. इंदर को मैं फेसबुक के थ्रू जानने लगी हूँ। उनकी मम्मी को तो मैं काफ़ी टाइम से जानती थी, सो सडनली मैंने फेसबुक पे इंदर का पेज देखा और सलाम नमस्ते में उसका इंटरव्यू देखा, एंड आई वाज सो हैप्पी कि ओके आई विल जॉइन हिम। When we eat in the comfort of our home, sitting and enjoying the warm food, home cooked food, it gives us the thought that these people, they are also away from their home, and we should provide them also something like that. So keeping that in mind, I always prefer to make something home cooked for them. इंदर, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसके लोग आपके साथ जुड़ते हैं, या स्कूल के बच्चों की जब छुट्टियाँ होती हैं तो आई एम श्योर स्कूल के बच्चे भी बहुत चैरिटी के काम में जुड़ना चाहते होंगे, तो वो लोग भी आते हैं? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट एज ग्रुप्स है। हमारे फ्री लेबर कैंपेन में एक लड़की थी जो 5 साल की थी, वहाँ 5 साल से लेके 65 ईयर ओल्ड बुज़ुर्ग भी थे, वो भी आए थे। काफ़ी स्कूल जो है उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए फीड लेबर कैंपेन के ऊपर कि बच्चों को भेजा है बाहर कि आप जाओ कुछ वॉलंटियरिंग करो एंड सी हाउ इट फील्स, तो उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। एक चीज़ की बहुत ही खुशी होती है कि मेरा जो ये साल का बर्थडे था, मैंने लेबर लोग के साथ सेलिब्रेट किया था, मैंने कोई चीज़ की पार्टी नहीं दी थी, सो वी हैड डिस्ट्रीब्यूटेड यू नो मील पैक्स टू द लेबरर्स। तो ये देख के मेरे जो 2-3 करीबी दोस्त हैं, तो उन्होंने भी सेम चीज़ की। अच्छा। कि अपना बर्थडे हुआ तो मुझे फ़ोन किया कि आप फीड लेबर पे कब जा रहे हैं,
मतलब हमारा सैटरडेज को होता है, आप हमें हमारे साथ आ सकते हैं? तो बोला ठीक है, मेरा बर्थडे है थर्सडे को, इस बार मैं पार्टी नहीं करूँगा, मैं सैटरडे को आके मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, मैं क्या ले कर सकता हूँ मुझे बताओ। देन वी जॉट डाउन दी आइटम्स कि हमें ये चीज़ चाहिए, जैसे शक्कर हो गए, सॉल्ट हो गए, वी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स और वो आके डिस्ट्रीब्यूट करते। तो मुझे ये चीज़ की बहुत खुशी है कि अभी लोग यू नो दे आर द टाइम्स ऑफ चेंजिंग, द टाइम्स आर चेंजिंग नाउ दैट यू नो कि हाँ, अगर इस बंदे ने ऐसा किया तो मुझे भी ये चीज़ मैं कर सकता हूँ मैं। तो बस आई होप कि मोर एंड मोर पीपल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस आउट एंड दैट्स हाउ वी विल कंटिन्यू ग्रोइंग एंड दैट्स हाउ वी कैन गो टू मोर साइट्स एंड कैटर टू मोर लेबरर्स। It's nice to, you know, when you do social works and all, and then when people come to know, so it's definitely like a really good thing to do. And when more people join, it's really good. And I'm really happy that I could join the group, and I'm thankful to my dad as well, because he got me in contact with Inder uncle, so it was a really good opportunity. इंदर फीड अ लेबर इनिशिएटिव में बहुत सारे लोग आपके साथ आके जुड़े हैं, काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स भी आपके साथ अब फीड अ लेबर इनिशिएटिव में जुड़ गए हैं। तो ये कॉरपोरेट जगत की बड़ी बड़ी कंपनियों को इस इनिशिएटिव के साथ जोड़ने में मुश्किलें आईं? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, किन कोई कॉरपोरेट्स को मैं पर्सनल लेवल पर जानता हूँ, तो देख देख के इतने टाइम से हो रहा है ये चीज़, तो वो भी आगे आए हैं। ऑफकोर्स वो अपने पैमाने पर करते हैं, थैंक्स टू माई फ्रेंड्स और उनके जो कनेक्शंस है बेसिकली। ऑफकोर्स अकेला तो मेरा ये काम नहीं है, और अकेला तो यू नो इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द सपोर्ट आई हैड थ्रू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो दैट्स हाउ आई हैव रीच्ड वेयर आई एम टुडे 415 वीक्स। अब थोड़ा सा ना इंदर की पर्सनल लाइफ में जाने की कोशिश करूँगा मैं। इंदर, ये 100 वीक्स से ज़्यादा हो गया है फीड लेबर इनिशिएटिव को, तो जब से फीड अ लेबर इनिशिएटिव चल रहा है तब से तो आपके वीकेंड सॉर्टेड हैं, आपका प्लान बना हुआ है कि हाँ वीकेंड है तो जाना है, ये प्लान आपका बना हुआ है, इधर की दुनिया उधर हो जाए लेकिन आपका ये प्लान ऑल्टर नहीं होता है। लेकिन वो टाइम पे आप क्या करते थे जब ये इनिशिएटिव शुरू नहीं किया था आपने? चिल हुआ करता था, रिलैक्सेशन, कोई चीज़ की टेंशन नहीं, आराम से उठना है, खा पी के काम पर जाना है, काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो घर पर आके दोस्तों से मिलना है, गपशप लगानी है, मूवीज पर चले गए। जब से ये हुआ है माई होल लाइफ स्टाइल हैज चेंज्ड, यू नो, चेंज फॉर गुड। यस, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कोऑर्डिनेशन हो गए, अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जाना है वहाँ चले गया मैं। इट्स गुड व्हाट्स हैपनिंग नाउ कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी, एटलीस्ट आई नो दैट आई एम यूटिलाइजिंग माई टाइम इन अ मच बेटर वे। फाइनली इंदर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये रोड जो है ये कहाँ तक जा रही है, वेयर इज इट लीडिंग टू आगे, और कहाँ तक पहुँचाना है इस इनिशिएटिव को, व्हाट आर द प्लान्स? जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, जो लेफ्ट ओवर फूड्स हैं जो शादी में होते हैं या एग्जीबिशन इवेंट्स हो गए, हमें वो कलेक्ट करके लेबर्स को देना है। तो उसमें क्या कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, पैसे खर्च, अगर जिसको चैरिटी मतलब हेल्प करना है बट दिल नहीं करता कि मैं पैसे खर्च करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो इस चीज़ में हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होएगा वो यही होएगा कि जो खाना बचता है वो फेंका ना जाए, उसको लेके हम इन जगहों पे इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचे, बजाय इसके कि वो खाना वेस्ट हो जाए। बहुत ही नेक ख्याल है इंदर, थैंक यू सो मच। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आज हमने बात की इंदर भगनानी से, और द एक्स्ट्राऑर्डिनरी के अगले एपिसोड में भी मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसी ही एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्सियत से, जिनके लिए गिविंग इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आज कुछ अलग करके दिखाते हैं, है आज भी जहां में कुछ ऐसे लोग जो हम में ऐसे हैं मगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहलाते हैं।